चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं सॉलिड स्टेट में एलिमेंट बी फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर एंड ए ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाइडल वॉइड्स व्हाइल ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राइडल वॉइड. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बाई मेटेलिक ऑक्साइड. तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम एलिमेंट बी से. ठीक है, ये बोल रहा है कि बी ऑक्यूपाइज एट सीसीपी स्ट्रक्चर. सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग. फुल फॉर्म क्या है इसकी? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को हम बोल सकते हैं एफसीसी. व्हाट इज मीन बाय एफसीसी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. अब देखिए सीसीपी पर यदि हम अरेंज करें तो इसका मतलब ये कहां पे आएगा? बी एट ऑल कॉर्नर्स प्लस एट ऑल फेस सेंटर्स. ऑल फेस सेंटर्स, कॉर्नर्स कितने होते हैं? एट. और एटम का कंट्रीब्यूशन कोने पर 1/8. फेसेस कितने होते हैं? 6. कंट्रीब्यूशन फेस पर 1/2. मिलाकर अगर अपन लिखें तो 4 एटम जो है इफेक्टिवली किसके आने वाले हैं? बी के. ठीक है, अब यदि मैंने कहा कि बी एटम के लिए यानी कि जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो गया 4. अब इसमें दो तरह के वॉइड्स होते हैं. एक तो होता है इसमें ऑक्टाइडल वॉइड. ठीक, ऑक्टाइडल वॉइड्स कहां कहां पे होते हैं? बॉडी सेंटर प्लस एस सेंटर्स. ठीक, कितने होते हैं संख्या में? टोटल ऑक्टाइडल वॉइड्स होते हैं 4. इसके बाद इनके अंदर वॉइड्स होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो कहां पर होते हैं? नियर ईच कॉर्नर, नियर ईच कॉर्नर. ठीक है, इसका मतलब संख्या में कितने होंगे? ये होंगे 8. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी इज अरेंज ए सीसीपी स्ट्रक्चर एंड ए ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाइडल वॉइड्स. ए कहां पर है? हाफ ऑक्टाइडल वॉइड्स पे. व्हाइल ऑक्सीजन एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड. इसका मतलब ऑक्टाइडल वॉइड का हाफ, इसका हाफ यानी 50% होगा 2, और 2 में एटम्स आ रहे हैं हमारे पास ए. ए कहां पर आ गए? 50% ऑक्टाइडल वॉइड्स में. और ऑक्सीजन एटम जो है ऑल आर ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन एटम्स, बाय ऑक्सीजन. तो इसका मतलब ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे? 8. अब हम इसको कंबाइन करते हैं कि ए है 2, ऑक्सीजन है 8 और बी है 4. कंबाइन करके यदि मैं लिखूं इसे तो ए है 2, बी है हमारे पास 4 और ऑक्सीजन है 8. इसको हम सिंप्लीफाई करके 2 से डिवाइड करके ये भी लिख सकते हैं ए 1, बी 2 और ओ 4. तो ये भी आंसर हो सकता था, और अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी आंसर हो सकता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि फार्मूला में मालूम करना था, और इसने ऑलरेडी बोला था कि एफ जो है वो सीसीपी पर है. ठीक है, ये ऑक्टाइडल वॉइड्स पे है. ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है. ठीक, आंसर इज ए बी 2 ओ 4.